अब आपसे ये पूछना था कि आप हमें बताएं कि नेक्सॉल्ट बेसिकली है क्या चीज़, ताकि जो एक लेमैन है जो हमारे देखेंगे ये शो, उनको पता लगे कि नेक्सॉल्ट बेसिकली कंपनी क्या है, करती क्या है और कैसी चीज़ें ऑपरेट होती हैं इसमें। अच्छा, नेक्सॉल्ट को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए कि हमें उसकी बेसिक थिंग्स पता हों, और बेसिक जो है वो क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज जो है हमारे पास होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो है ये आप कह लें कि सतोशी नाकामोटो ने इसका आगाज़ किया था 2008 के अंदर। उस वक्त जब इसका आगाज़ हुआ था तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस जो थी, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 10 से 12 रुपए थी। अभी जो है इसकी प्राइस जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई, 2012 के अंदर इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी जंप किया, और अभी जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी इसमें नज़र पड़ी है, और अभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि 2020 के अंदर हमें जो है वो बहुत गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। इसी तरह जो है हम भी सिस्टम लेके आए हैं नेक्सॉल्ट की सूरत में, वो ये भी क्रिप्टो करेंसी है, और इसमें हमने जो है जो यूनिक चीज़ मुतारफ करवाई है वो है हमारा कॉन्सेप्ट MLC। और ये मल्टी लेवल कॉइन इसलिए हम इसे बोलते हैं कि जब इसका जो है ब्लॉक जनरेट होता है तो उस वक्त जो ब्लॉक जनरेशन का सिलसिला कर रहा है उसको तो रिवॉर्ड मिलता है जिसने माइनिंग किया है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी अपलाइंस को भी उसका रिवॉर्ड जो है वो मिलता है। और आज से पहले इसका जो है वो कहीं पर भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में तारफ नहीं था, कि हमें जो है ऐसा कॉन्सेप्ट देना चाहिए मार्केट के अंदर जो कि लोगों के इस डर को ख़त्म कर सके, लोगों के बिलीव को बढ़ा सके कि जो MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी ये 2018 की बात है, हमने ये टोकन सेल किया था, इसका 2 रुपीज़ का टोकन सेल किया था, और अभी ये क्वाइन की सूरत में इख्तियार कर चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर और पाकिस्तानी इन्वेस्टर इतना इन्वॉल्व हुआ है नेक्सॉल्ट में, नेक्सॉल्ट की टेक्नोलॉजी उन्हें इतनी पसंद आई है कि वो जो है इसकी प्राइस को 500 रुपए तक ले गए हैं। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर लोग क्या करते हैं, जो इंटरनेट की दुनिया पे फ्रॉड की नीयत से ही आए होते हैं, उनका तल्लक नहीं होता कि वो लोगों की खिदमत करें, लोगों को अच्छा रोज़गार दे सकें, उनका ऐसा कोई तल्लक नहीं होता। उनका होता है कि भाई बस अपनी जेब भरें और अपनी जेब के बस, वो पंजाबी में क्या बोलते हैं मसाल है ना, कि अपना टेट भरे बाकी जाए सारे भाड़ में। नेक्सॉल्ट 2018 के अंदर 2 रुपीज़ का था, अब 500 का है 2020 के अंदर, और बाकी जो है फ्यूचर क्या है वो सामने खुद ही डिसाइड कर लेंगे माशाल्लाह।